हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रोस्टेड पोहा नमकीन। इसको बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है और आप इसे एक महीने तक आराम से खा सकते हैं फ्रेंड्स। और ये पोहे से बना है इसलिए हेल्दी भी है, और इसको मैंने बहुत ही कम तेल से बनाया है फ्रेंड्स। आप इससे भी कम तेल में ये नमकीन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ा बाउल पोहा ले लिया है। पोहा मोटा या पतला कैसा भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और पैन में बिना घी या तेल के हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है फ्रेंड्स। लगातार चलाते रहना है, मीडियम फ्लेम रखनी है फ्रेंड्स, और इसे रोस्ट कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, चुरचुरा सा हो जाए। हाथ में लेने पर ये अच्छी तरह से टूटे, तो इसे लगातार चलाते रहें फ्रेंड्स और ड्राई रोस्ट कर लें, और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये नमकीन बहुत ही हेल्दी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये पोहे से बना है और इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है, तो बच्चे भी इसे खुशी खुशी खाते हैं फ्रेंड्स। तो ये आप बना करके एक बार ज़रूर देखना, बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पर पोहे का कलर चेंज हो गया है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक उठा करके देखेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से ये टूट पा रहा है, तो इसका मतलब ये चुरचुरा सा हो गया है, क्रिस्पी हो गया है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है फ्रेंड्स। तो जल्दी से इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ये देखिए कलर इसका हल्का सा चेंज हो चुका है। दोबारा से मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और पैन को फिर से रख दिया है, और इसमें हम एक चम्मच तेल डाल रहे हैं। आप फ्रेंड्स इससे भी कम तेल में इसको बना सकते हैं। तो पैन हमारा गर्म हो गया और तेल मैं डाल दे रही हूँ इसमें। मैं यहाँ पर रिफाइंड तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी और तेल में भी इसको बना करके खा सकते हैं। और जहाँ पर तेल की बात है फ्रेंड्स, आप इससे भी कम तेल में इसको बना सकते हैं। तो तेल गर्म हो गया फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देंगे 100 ग्राम के लगभग मूंगफली। आप इससे ज़्यादा मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें स्लो फ्लेम पर सारी चीज़ें भूननी हैं, तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दीजिए और स्लो फ्लेम पर इसको भूनेंगे, लगातार चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा हाथ रेगुलर चलता रहेगा, नहीं तो कोई भी चीज़ हमारी जल सकती है, इसलिए हम लगातार हाथ को चलाते रहेंगे और आगे आगे का प्रोसेस करते रहेंगे। तो मूंगफली को लगभग 2 से 3 मिनट हमें स्लो फ्लेम पर भून लेना है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम कुछ सामान और ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है और हल्की सी ये फूटने लग गई है। तो इस स्टेज पर अब हमें डालना है फ्रेंड्स इसमें, ये देखिए नारियल के कुछ टुकड़े ले लिए हैं मैंने, जो सूखी हुई नारियल होती है उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, ये मैं डाल रही हूँ। फिर से भूनेंगे 1 मिनट तक लगभग, क्योंकि जिस प्रोसेस के हिसाब से मैं डाल रही हूँ उस प्रोसेस के हिसाब से आप भी डालना फ्रेंड्स, तभी हमारी सभी चीज़ें अच्छी तरह रोस्ट हो पाएंगी। तो अब मैंने कुछ 7 से 8 बादाम लिए थे, वो मैंने डाल दिए। पहले हमने मूंगफली भूना, फिर उसके बाद हमने नारियल के टुकड़े, फिर हमने बादाम डाले, फिर हमने काजू डाले। तो इस तरीके से जिस प्रोसेस से मैं भून रही हूँ उस तरीके से आप भी भूनेंगे, तो सभी चीज़ें एक बराबर भूनेंगी। अब यहाँ पर हम कुछ किशमिश भी डाल रहे हैं इसमें, ये हमने डाल दिया। फ्लेम को ध्यान रखें फ्रेंड्स, फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनते रहें। हाथ हमारा रेगुलर चलता रहेगा, हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना है फ्रेंड्स। और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, सौंधी सौंधी सी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ों का कलर यहाँ पर चेंज हो गया है, और कोकोनट को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर कोकोनट हमारे एक तरफ से अच्छी तरह से नहीं भुने हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखते हुए उसको अलट पलट देंगे ताकि कोकोनट अच्छी तरह से भुन जाए दोनों तरफ से। ये देखिए कोकोनट को हमने पलट दिया, मुझे लग रहा था एक तरफ से नहीं पका हुआ है या अच्छा सा क्रिस्प नहीं हुआ है, तो मैं पलट करके इसे बीच में डाल दूंगी ताकि ये दोनों तरफ से लाइट गोल्डन हो जाए। तो हल्का सा इसे पका लेंगे, तो सभी चीज़ों के कलर यहाँ पर चेंज हो गए हैं फ्रेंड्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 करी पत्ते, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके फिर मैंने इसमें डाल दिया है।
करी पत्ता आप ज़रूर डालना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी नमकीन हमारी बनेगी। इसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि पत्ते जो है अच्छी तरह से चुरचुरे हो जाएं। और यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च लिया है फ्रेंड्स, इसको बीज से फाड़ लिया है और इसके सारे बीज मैंने निकाल करके बाहर कर दिए। बीज आपको इसमें नहीं डालना है, बस हल्का सा तीखापन रखना है लेकिन बीज हमें बिल्कुल बाहर निकाल देना है। तो इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे, इससे हल्का सा तीखा चटपटा हमारा नमकीन बनेगा फ्रेंड्स। तो ये मैंने डाल दिया। अगर आप लंबे समय तक इसे बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, आप इसकी जगह सूखी मिर्च का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ी सी हल्दी ताकि कलर हमारा अच्छा सा आ जाए, लगभग 1/4 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी इसमें। अच्छी तरह से भून लेंगे सभी चीज़ों के साथ, सभी ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा कलर आया हुआ है नमकीन का। और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। तो इन सभी चीज़ों को हल्का सा फिर भून लेंगे। तो फ्रेंड्स सभी चीज़ें हल्की हल्की भून गई हैं और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और कलर भी इसका अच्छा हो गया है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्का सा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हल्का ही रखना है यहाँ पर, और अच्छी तरह से मिला देंगे। तो सभी चीज़ें मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपना पोहा जो हमने ड्राई रोस्ट किया था, और बिल्कुल अच्छी तरह से सभी चीज़ों के साथ इसे हमें मिक्स कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से ये मिक्स भी हो जा रहा है, ये देखिए, और धीरे धीरे ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमें डालना है फ्रेंड्स लगभग 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी, इससे बहुत ही मीठा सा और तीखा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। तो ये आप ज़रूर डालें, चीनी आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन चीनी को पीस करके ही डालना है फ्रेंड्स। और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो जैसे जैसे मैंने प्रोसेस रखा है फ्रेंड्स, वैसे वैसे अगर आप ये नमकीन बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनेगी और सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से भून पाएंगी। तो आप प्रोसेस यही रख करके ये नमकीन बनाइएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी नमकीन बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, इसे अच्छे से ठंडा हो जाने दें। ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट जार में भर करके आप रखें, 1 महीने तक खाएँ। बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी नमकीन है फ्रेंड्स। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।